एक घंटा इंतजार करने के बाद पता चला कि काम आज नहीं होगा। इतना दिमाग खराब हो सकता है इंसान का। शादिया मतलब पूरा स्टूडेंट बन गया हो ना, चाय वाय पी रहे हो, नाश्ता। हाथ में कांटा घुस गया, खून निकल। पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे काफी बांग्ला ड्रामे है ना, वो होते हैं यार। इधर तो इमान साड़ी पहन के अगर फोटोग्राफी की जाए पूरा हीरोइन। इतनी जोर से बारिश हो गई। अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब, उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज हमारा सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास के लिए मैं पूरा रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे ये वाला बैग ले लिया है, बस इसमें जो बुक्स वगैरह वो डाल दिए, होमवर्क जो वो गाड़ी में बैठ के कर लूँगी। तुम्हारे पीछे जो डॉगी है वो कितना लंबा है? ये हमारी छत पे कैसे आया? अरे स्कूबी के साथ एक बड़ा डॉगी, इतना बड़ा डॉगी। गाड़ी में ना हम सफर करते रहते हैं, रास्ते में खड़ी नहीं कर सकते कि तो आने जाने के टाइम होता है ना, एक भूख लगती है क्या है। तो उसके लिए देखो इमान बिस्किट्स बहुत सारे लेके आई हूँ। सही क्या? हाँ, सही है। यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं, यहाँ आके नई एक जापानीज लड़की भी मिली है हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम, तो उससे भी बातचीत हो रही थी। और अभी आज एक क्लास कैंसिल हो गई है, एक क्लास है अभी। इमान ने बोला था अभी 9 बजे में टाइम है, तो जल्दी जल्दी से कुछ खा लो। तो ये ना रोटी और आलू जो है ना माँ ने डाल के दिए थे, तो ये बनाया इमान ने, माँ ने डाल के दिया। अभी हम ये जस्ट खा रहे हैं और फिर इसके बाद करेंगे क्लास, फिर भागेंगे आर्यन के पास। शादिया क्लास में है और मैं जा रहा हूँ बैंक में। बहुत दिन से मेरा एक इम्पोर्टेंट काम रह चुका है, तो वो काम ख़त्म करने में इधर आ गए हूँ। ये बेसिकली मेन बिल्डिंग कह सकते हैं हम, जहाँ पर ऑफिशियल काम होता है यूनिवर्सिटीज़ का। बहुत ही पुराना बिल्डिंग है और ये मेरा बैंक है। सीन हो गया मेरे साथ, अभी सुबह का 9 बजा हुआ है लेकिन 10 बजे से पहले बैंक नहीं खुलेगा, तो मुझे इधर उधर भटकना पड़ेगा। अभी वही 30 मिनट्स हो गया मैं बैंक के बाहर खड़ा हूँ, मेरा हालात ख़राब हो गया पूरा। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। माँ के साथ बात हो रहा था, माँ के हाथ से आर्यन ने दूध पी लिया बस, और क्या चाहिए। बहुत टेंशन में थे मैं और शादिया, क्या करें ना करें। इंतजार के बाद खुल गया बैंक, चले अंदर, क्या बातें जातें करके आए। एक घंटा इंतज़ार करने के बाद पता चला कि काम आज नहीं होगा। इतना दिमाग ख़राब हो सकता है एक इंसान का, मतलब पूरा एक घंटा खड़ा था। मैं अभी वॉक कर करके शादिया के क्लास के उधर जा रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी कैंपस ही है, मतलब कैंपस काफ़ी बड़ा कैंपस है। ये जो गेट है ये गुरुद्वारा है, और इसके अंदर सैटरडे को शायद फ्री का लंच देते हैं। इधर जो सैटरडे को लंच मिलता है फ्री का, ये मुझे कभी पता ही नहीं था। ये बाद में पता चला, मैं 10-11 साल इस एरिया में रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि सैटरडे को फ्री का लंच मिलता है। बहुत लोग खाने आते हैं, तो मुझे और शादिया को इच्छा, कभी शौक है कि कभी हम दोनों इधर आके खाए। कुछ गए हूँ मैं शादिया के बिल्डिंग में, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। यार प्यास लग गया, कुछ जूस वूस पिए इधर से। अरे मेरा जूस चोरी करके ले लिया आपने। मेरी क्लास अभी भी खत्म हो गई 2 घंटा पहले, ये मेरे बिना जूस पी रहे हो। हाँ? कैसा था क्लास? क्लास काफी अच्छी थी, आज सिर्फ 2 घंटे की क्लास थी, 4 घंटे की जगह। काफी कुछ सीखा, फिर से नोट करके रखा है, तुम्हें घर चल के दिखाऊंगी क्या क्या सीखा। मैरिड, अनमैरिड, और क्या स्टूडेंट, छात्री, छात्रों, शिक्षिका, शिक्षक। मेरे बैंक का काम नहीं हुआ, नहीं और भी टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा बोला है। चलो आर्यन को भी दिखा दिया सबको मैंने, मेरा बेबी। चलो ही हमारी क्लास जो है ना वो ख़त्म हो गई। आज काफ़ी कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया। आज ना 2 नए स्टूडेंट्स आए हमारे क्लास में, जापानीज। हाँ, 2 नए स्टूडेंट्स आए, और फिर सब मतलब एक साथ कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं। होमवर्क नहीं मिलता, टीचर बोलते हैं हर कोई बिजी होता है, तो फिर क्लास में ही कन्वर्सेशन होते रहते हैं बंगला में, तो बहुत अच्छा लगता है। और फॉर्मल वे में टीचर सिखाती है, भूल क्या था, भूल क्या था, अभी भूल गया, बुलेट पता नहीं क्या यार लिखना है। राजा बिना हम लोग सोच रहे चाय वाय पी के फिर ही घर निकले, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है आज सुबह से। कल रात को भी नींद नहीं हो पाई, सुबह 6 बजे उठ गई थी ना, तो चलो इधर से ही जाएंगे, इधर TLC होगा ना ढाका यूनिवर्सिटी में, उधर जाएंगे।
इन्होंने बोला चा खाए क्या खाई वो खाए तो खे छेन बोलते खे छेन इतना बिना भी ग्लास लेना शुरू कर दिया है। इमोन चाय कहाँ से पिलाओगे है? चाय कहाँ से पिलाओगे इधर से। अरे ये तो वो जगह है यहाँ पे पहले भी आए थे हम तो। इधर बहुत सस्ती चाय मिलती है, सस्ती वाली लेकिन बहुत ही टेस्टी और सस्ती वाली चाय। स्टूडेंट्स है ना सारे इधर तो वो चाय ढाका यूनिवर्सिटी में। खाना पीना किसी को करना हो ना, भूख लगी है चाय पीनी है, ढाका यूनिवर्सिटी आ जाओ। दादी मतलब पूरे स्टूडेंट बन गए हो ना, चाय वाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो। मजा होता है ना। गाड़ियां है सारे टीचर्स का, प्रोफेसर्स के, और इधर सारे बाइक मतलब साइकिल सारे स्टूडेंट्स का। कितने सारे साइकिल है, मतलब काफी यूज करते स्टूडेंट साइकिल इधर, जो डॉर्मेटरी में रहते हैं और डॉर्मेटरी से क्लासेस लिखते हैं तो क्लास के लिए लोग साइकिल में आते हैं इधर। इमोना से मुझे एक गुलाब का फूल दे रहा है गिफ्ट में। हो हो गुलाब लेके आ रहा है, बारिश का मौसम है और ये गुलाब लेके आया है मेरे लिए। थैंक यू। अभी यहाँ बारिश का मौसम हो गया है, पूरी बारिश हो रही है जोर जोर से। जल्दी जल्दी चलो। और इमोन ना गुलाब के कांटे निकाल रहे हैं क्योंकि कांटे जो है ना बहुत ज्यादा है इसमें। इमोन के हाथ में कांटा घुस गया, खून निकला। चलो घर चल के ऐसे ही रख देंगे, ऐसे ही चलो बस। थैंक यू देने के लिए, मेहरबानी। कितना अच्छा मौसम है यार, बारिश वाला मौसम। बारिश हो गई, ये बारिश की बूंदे। अरे छोड़ दो, लग जाएगा तुम्हें। देखा देखा गुलाब तो हर कोई दे देगा, कांटा निकाल के जो देगा, कांटा निकाल के जो देगा वही असली गुलाब होगा। इमोन ये कौन सा डिपार्टमेंट है, कपड़े टंगे हुए इतने? लड़कों का डॉर्मेटरी है। डॉर्मेटरी है, अच्छा। और अभी मुझे कहाँ लेके जाओगे? अब्बा का डिपार्टमेंट दिखा दो, अब्बा कहाँ पर क्लास लेते थे। तो फ्रेंड्स अभी निकले है ना, तो इमोन मुझे यूनिवर्सिटी भी साथ साथ ही घुमाया जा रहा है, तो बोला है कि चलो अब्बा का फ्रेंड कौन सी क्लास डिपार्टमेंट Department of Soil, Water and Environment. Soil, Water and Environment देखने जा रहे हैं। और ये मेरी मतलब एक ख्वाहिश में से ये ख्वाहिश भी रह गई है कि मैं डबल बस में कभी नहीं बैठी जिंदगी में, किसी भी बैठेंगे। चलो अब्बा का डिपार्टमेंट देख के आते हैं इसको। यार सादिया बस में फोटोग्राफी के चक्कर में मुझे इस सेट भेज दिया बस में। ये बस उत्तरा जाते हैं, हमारे घर जाता है ये बस। मैंने बहुत ट्रैवल किया इस बस में, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा। चलो ये अभी हम आगे साइंस फैकल्टी में, अब्बा का डिपार्टमेंट कहाँ है आगे। तो फ्रेंड्स आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे काफी बांग्ला ड्रामे है ना वो होते हैं, तो मैं बिल्डिंग देख के ही मैं पहचान गई इधर ड्रामा होता है ना। बादल देखा कैसे पेड़ के पीछे से निकल रहा है, कितना खूबसूरत व्यू है। आज तक का खूबसूरत व्यू जो है ना वो है। ये केमिस्ट्री बिल्डिंग कैसा लगा? कितना क्यूट है स्ट्रक्चर इसका, देखा बहुत पुराना आर्किटेक्चर, बहुत खूबसूरत यार। इधर तो इमोन साड़ी पहन के अगर फोटोग्राफी की जाए पूरा ही हीरोइन, कितना अच्छा लगेगा। हीरोइन 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 यार डर सकता है। इमोन तो आज मुझे नई नई जगह दिखा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी में पहले भी काफी बार आई हूँ लेकिन आज तो मुझे चीजें दिखा रहे हो डिटेल में। हम हमेशा आते हैं काम से, तो आज ना क्लास जल्दी खत्म हो गई तो थोड़ा सा मैं यूनिवर्सिटी देख के जा रही हूँ। इमोन मुझे तो कोरिया वाला टाइम याद आ गया, हमारी क्लास जल्दी खत्म हो जाती थी, हम कितने घूमते थे ना। इधर का पेड़ देखो कितना अच्छे से कटिंग करके, पेड़ अच्छे से कटिंग है। और ये हर डिपार्टमेंट के बाहर लॉन पेड़ ये वो, और अल्लाह की तरफ से दिए हुए बादल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी बिल्डिंग के करीब ही एक और बिल्डिंग आई है और ये फार्मेसी डिपार्टमेंट है। इसके ना बालकनी देखो कितनी खूबसूरत है। ये सारे ना ब्रिटिश टाइम की बनी हुई बिल्डिंग्स है, तो अभी तक तोड़ी नहीं है और ऐसे मतलब हिस्ट्री भी है और क्लासेस भी अभी तक चलती है। ब्रिटिश टाइम की है ना सारी बिल्डिंग्स। जब इमोन क्लास 4-3 में था ना, 3-4, तो उस टाइम ना अब्बा और इमोन इधर आके बैटिंग बॉलिंग करते थे। अब्बा ऐसे बॉल फेंकते थे, इमोन बैटिंग करता था। तुम्हें सारी मेमोरीज है ना। इमोन वाले काफ़ी टाइम ना ढाका यूनिवर्सिटी में रहे हैं क्योंकि अब्बा ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो इसलिए तो इनकी काफ़ी मेमोरीज है इधर। पुराने घर ये वो, टीचर्स को तो क्वार्टर मिलते हैं ना, तो ऐसे फिर काफ़ी टाइम इधर रहे थे। फाइनली अब्बा के डिपार्टमेंट आ गए, आज ये ब्लॉग अब्बा को भी दिखाएंगे। तो ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल वाटर एंड एनवायरनमेंट। तो ओ इधर है, मुझे लगा इधर से। ये वाला ना पार्किंग है गाड़ियों का और ये वाला मेन डिपार्टमेंट है
तो ये है अब्बा की बिल्डिंग, अब्बा देख ले अपना जुन्नू आज के हमरा अच्छी अशी। रिटायरमेंट से पहले ना अब्बा का रूम इमोन बोल रहा है ये हुआ करता था डिपार्टमेंट के बिल्कुल करीब, और यहाँ पे दो जर्मन शेफर्ड हुआ करते थे। इमोन की मेमोरीज अभी। अच्छा ये दरवाजा था पहले जर्मन शेफर्ड थे, दो हम कुत्ते लेके घूम जाते थे। अच्छा अब्बा का ऑफिस रूम, मुझे लगा घर बोल रहे हो। अच्छा अब्बा की ऑफिस थी इधर। अरे वाह वाह, तुम जर्मन शेफर्ड अब्बा की ऑफिस में लेके आते थे। हाँ, क्योंकि ये बाहर के तरफ से सेपरेट रूम है, अंदर से भी दरवाजा है, तो ये रूम सेपरेट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, इमोन बहुत टाइम से ही एनिमल लवर है, बचपन से ही। तो इनके पास बहुत जर्मन शेफर्ड, ये वो बड़े बड़े डॉग्स थे। अभी तो हमारे पास छोटा मैगी और इसको भी है। अब्बा के डिपार्टमेंट अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा देख रहा हूँ मैं, फिर हम लोग निकलते हैं आज। यार अंदर भी पूरा रेड ब्रिक्स का काम किया हुआ है, पुराने टाइम की बिल्डिंग्स के अंदर लॉन। और इसका ना मैंने ताला भी देखा था, एक ना पुराने टाइम के ताला नहीं था, गोल 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 ऐसे लगा हुआ, फिर इसे ताला लगा, वो भी था पीछे। इतनी जोर से बारिश हो गई, घूमते घूमते वेदर इतना अच्छा था, पूरी बारिश हो गई, अभी भी हो रही है। चलो मैं शेडो में जाए, बुखार हो जाएगा। तो एक और जगह दिखा दी इमोन ने, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत स्विमिंग भी करते हैं। बारिश में सारे स्टूडेंट्स ना इधर आके खड़ा हो गए, जिस जिसके पास छतरी नहीं है, जो लोग के पास छतरी है वो अपनी छतरियाँ लेके जा रहे हैं। ये एक और डॉर्मेट्री है, उसका मेन गेट है। कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। कमेंट्स में बताना आप लोगों को ढाका यूनिवर्सिटी कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ग्रीनरी, बहुत नेचर, पुराने बिल्डिंग्स, खूबसूरत ही खूबसूरत। ढाका यूनिवर्सिटी से आज पराठे लेके आए थे, तो मैं और माँ खाएंगे। इमन नहीं खा रहा और चाय भी हमें पी रहे हैं। चलो ना टेस्ट करें। माँ खेन देखिए। आर्यन तुम्हें दादा बात कर रहे हैं ना, बात करो। दादा साथ कोथा बोलो। क्या कर रहा है पता नहीं, सादिया शायद बचपन में से खेलता था ना। टोपी पहन के मुंह अंदर डाल के, आर्यन मम्मा की जान। आर्यन इधर देखो, आर्यन मम्मा की जान गई 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 गई। आर्यन नीड्स प्राइवेसी, खुद से खेल रहा है, डिस्टर्ब ना करो, खुद की प्राइवेसी है इसके अंदर। उसको ना बास्केट्स बहुत पसंद है, पता नहीं बचपन से मैंने से देखा है बास्केट पे वो होता है, अट्रैक्ट होता है बहुत। फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़, बाय बाय। Now you say no, joke me sang it just so, 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩할 고민이 생겼니? 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형